बाहर निकलने के बाद भी ये लग रहा था कि क्या ये सच है, वहाँ जो हुआ क्या वो सच था, जो अमिताभ सर के संग में बैठी हुई थी क्या वो सच था कि अमिताभ सर मुझे पानी दे रहे थे, मतलब लग रहा था कि सब एक ड्रीम है, अभी भी एक ड्रीम चल रहा है। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। मुझको बचपन से ही, जब मैं छोटी थी टीवी देखती थी, तब मेरा विजन ठीक था तो मैं टीवी देखा करती थी, बहुत शौक था और टीवी में जाने का बहुत शौक था। देखती थी कि इतना सारा अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, लोग रियलिटी शो में आ रहे हैं, तो मैं भी सोचती थी ऐसा कोई दिन आएगा कि मैं भी जा पाऊंगी टीवी में। देन मैंने जब KBC देखा, पता चला कि इसमें तो GK के बेस पर स्टडी करके जा सकते हैं, तब मैंने फिक्स कर लिया, मैंने कहा एक दिन मुझको भी बैठना है सीट पर, अमिताभ सर से मुझे भी मिलना है। तो वो जो प्रोसेस था वो वहीं से स्टार्ट हो गया। फ्रेंड्स के संग खेलना शुरू किया KBC, उसमें खूब अमिताभ सर बन जाती थी और क्वेश्चन पूछती थी। बेसिकली जो लाइफ है अभी तक की मेरी जर्नी बोली जाए, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट स्ट्रगल वाली रही, या फिर हम बोल सकते बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही। बिकॉज जब 15 साल की थी तब विजन लॉस हुआ, उससे पहले लाइफ बिल्कुल अलग थी, एक नॉर्मल बच्चे की तरह चल रही थी। फिर 15 साल की हुई, विजन लॉस हुआ तो लाइफ में कम्प्लीटली चेंज आया, लगा कि लाइफ में एंड है बिल्कुल सब कुछ, मतलब बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो चुका था कि ये कैसे हो गया और ये क्या हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ और अब लाइफ में होगा क्या आगे, कुछ नहीं मालूम था। मैं उस टाइम पर कोचिंग जा रही थी और एक सड़क दुर्घटना आप बोल सकते हैं, तो उस टाइम पर फिजिकली तो इतना खतरनाक चोट लगा था, इतना ज़्यादा चोट लगा था कि मेरा जो जीन्स था वो सब उस पर कपड़ा हट चुका था, जीन्स तक का इतने ज़्यादा स्टोन थे और पूरे हाथ और पूरा फिजिकली बहुत ब्लीडिंग हो रहा था। तो मुझे लगा कि शायद, और साइकिल मेरा कम्प्लीटली टूट गया था, तो मुझे लगा कि शायद ये साइकिल, मतलब फिजिकली इतना चोट है, लेकिन थोड़े दिन बाद 1 वीक बाद ऐसा फील हुआ कि शायद विजन कम हो रहा है। बट उस टाइम पर ऐसा कुछ था नहीं माइंड में कि आइस पर भी इफेक्ट आया होगा, तो मैंने पापा से नॉर्मली बोला कि हम डॉक्टर पे चलते हैं और चश्मे का नंबर चेक कराते हैं। मेरे माइंड में एक चीज़ था कि शायद हो सकता है नंबर बढ़ रहा होगा, लेकिन जब हम डॉक्टर पे गए तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने सीधा बोला कि आपका जो रेटिना है वो अपनी जगह से हट गया है, रेटिना डिटैच्ड हो गया है। रेटिना डिटैच जब होता है तो हमको विदिन 2 या 3 डेज ऑपरेशन करना पड़ता है, वरना विजन कम्प्लीटली चला जाता है। तो उस टाइम पर 11th की बात है, हमने अपना एग्जाम ड्रॉप करके ऑपरेशन करवाया और वो रेटिना डिटैचमेंट का मेरा जब 3 ऑपरेशन हुआ तब तक मेरे पास विजन था, लेकिन जो 4th ऑपरेशन हुआ वो 4th ऑपरेशन था क्योंकि मुझे थोड़ा सा विजन में ब्लर था, तो वो 4th ऑपरेशन इसलिए करवाया गया था कि विजन और क्लियर हो जाएगा। जब मुझसे ये बोला गया कि आपका विजन और क्लियर हो जाएगा, आप और शार्पली देख पाओगे, तो मुझे लगता है हर किसी के माइंड में आएगा कि करवा लेना चाहिए, और मेरे सामने मेरा पूरा करियर था, तो मैंने भी वो ऑपरेशन ये सोचकर कि मेरा विजन और क्लियर और शार्प होगा मैंने करवाया। बट वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ और जो विजन था मेरे पास, जो मैंने स्कूल जाना शुरू करा था, वो विजन मेरा टोटली निल हो गया उस सर्जरी में, मतलब वो सर्जरी फेल हो चुकी थी। 6 महीने तक फेस पर स्माइल नहीं थी, डिप्रेस बहुत ज़्यादा थी कि हाँ, और कहीं ना कहीं जब हम डिप्रेस होते तो भगवान को भी हम बोलते हैं कि हमारे संग ऐसा क्यों हुआ या हमने ऐसा क्या किया, इस टाइप का मेरे संग भी कुछ रहा।
और इवन मेरे ट्यूशन वाले बच्चे थे वो भी बोलते थे कि दीदी हंसने की बात होती है लेकिन आप तो स्माइल ही नहीं करते। और जब डॉक्टर से बात हुआ उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वीकनेस है, धीरे धीरे रिस्टोर होगा विजन। लेकिन वो 2012 से आज 21 हो गया, वो विजन रिस्टोर नहीं हुआ। बट कोई नहीं, मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं होता। आज मुझे खुशी इस बात की होती है कि विजन हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बट आज मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा की आइज में जो चमक है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी फैमिली में, मतलब केवल मम्मी पापा नहीं, हमारी पूरी फैमिली में कभी भी ये बात को नहीं सोचा जाता था कि लड़की है तो कम पढ़ाई है, लड़का है तो ज्यादा अच्छे स्कूल में डालिए, कभी ऐसा नहीं था। इवन हम लोग 5 भाई बहन है और मम्मी पापा का बचपन से ड्रीम था कि हम सबको CBSE में डालेंगे। बहुत लोगों ने कहा अभी कि इतनी सारी आपकी बेटियां हैं और प्राइवेट जॉब है, कैसे क्या होगा। बेसिकली उस टाइम पर जैसे पापा की प्राइवेट जॉब और हम बहुत नॉर्मल फैमिली से, नॉर्मल क्या, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल फैमिली, क्योंकि हम 5 भाई बहन स्टडी करने वाले थे और अकेले पापा की अर्निंग वो भी प्राइवेट जॉब। जब पापा इतना इतना अमाउंट, क्योंकि सर उस टाइम पर 2011 के टाइम पर 50,000, 40,000, 60,000 ऐसे ऐसा पे करना पड़ता था क्योंकि रेटिना का सर्जरी बहुत कॉस्टली होता है। तो जब पापा अरेंज करते थे तो मुझे उस टाइम पर फील होता था, मैंने कहा मतलब बाकी भाई बहन मम्मी पापा अपना कोई शौक मौज पूरा नहीं करते, बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना अमाउंट एक बार में पे किया जा रहा है। तो तब से माइंड में एक चीज़ क्लिक हो गई थी, तब मैं छोटी थी, एक चीज़ क्लिक हो गई थी कि लाइफ में कुछ हो या ना हो, विजन रहे या ना रहे, लेकिन मुझे इतना ज़रूर करना है कि जो मम्मी पापा ने जितना अमाउंट मेरे में खर्च किया है उससे ज़्यादा उनको रिटर्न करना है। हमारी फैमिली में मैं फर्स्ट पर्सन थी जो गवर्नमेंट जॉब में आई थी, इससे पहले हमारी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। तो मम्मी पापा की खुशी मतलब बताई नहीं जा सकती, मम्मी पापा कितना ज़्यादा खुश थे। और सबसे ज़्यादा मुझे प्राउड कब फील हुआ, अभी कोविड के दौरान पापा ने जब एक लाइन बोली कि बेटा अगर आज आप नहीं होते, आपकी जॉब नहीं होती, तो शायद हम लोग गाँव वापस लौट जाते। तो पापा की ये लाइन अपने आप में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कराने लगी। बोझ वाली बात तो वैसे कभी फील नहीं हुई, क्योंकि जब मेरा आई में विजन था तभी से मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, फीस दीदी और मैं मिलकर अर्निंग करते थे तो सारा मम्मी को देते थे, तो बोझ वाली बात नहीं फीलिंग हुई। एक्सीडेंट के बाद भी ट्यूशन पढ़ाना नहीं रुका सर मेरा, ये बात है। 13 ईयर की एज से मेरा कंटिन्यूसली मेरा विजन लॉस हुआ था, बेड रेस्ट बोला था डॉक्टर ने, बेड रेस्ट के बाद मैं शाम को थोड़ा बहुत 1 घंटे के लिए बैठती थी, तब भी मैं बच्चों से सुनती थी। और पता है कैसे सुनती थी, उनसे बोलती थी बेटा एक बार मैं आप सारे क्वेश्चन रीड कर दो, 10 क्वेश्चन है बच्चा फटाफट, दीदी ये क्वेश्चन है, मैं बोलती थी ओके बुक क्लोज करो, और फिर मैं उनसे क्वेश्चन बोलती चलती थी, वो आंसर देते चलते थे। लेकिन हाँ, मेरे ऑपरेशन के बाद ऐसा कुछ असर नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने मेरा पढ़ाना हुआ पहले देखा हुआ था, और फिर मेरा सारा फोकस ओरल ही रहता था। सर मैं मैथ्स भी कराती थी ना, वो भी ओरली कराती थी, जैसे मैं बोलती थी बेटे क्वेश्चन पूछो, बच्चा क्वेश्चन पूरा रीड करता था, मैं नोटबुक ले लेती थी, बोलती थी ये ब्लैंक पेज है, बोलता था हाँ दीदी, देन मैं लिखती चलती थी, एक्सप्लेन करते हैं, मैंने कहा बेटा जहाँ आपको नहीं समझ में, जहाँ आपको लग रहा है ओवरलैपिंग हो रहा है तो आप मुझे वहीं रोक देना। वो लिखने के बाद फिर मैं उसको ओरली प्रैक्टिकल वे में भी समझाती थी, तो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे स्टूडेंट्स को मुझ पर बहुत कॉन्फिडेंट था। इंटरेस्ट की चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे मुझे एंकरिंग करने का बहुत शौक है, म्यूजिक गुनगुनाने का बहुत शौक है, और स्टडीज़ करने का, पढ़ाई करने का भी बहुत शौक रहा था। उसी बिहाफ पर मैंने डिसाइड किया था कि मुझको डॉक्टर बनना है, मुझे मेडिकल फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो ये सारे सपने एकदम चूर चूर होते हुए नज़र आ रहे थे, बिकॉज लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। इसी में एग्जाम्स होते थे तो कम्प्लीटली हमने तो पढ़ाई कर लिया है, लेकिन अब जो एग्जाम होगा ना वो कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड नहीं था, क्योंकि एग्जाम के लिए हमको स्क्राइब मिलता है, राइटर मिलता है। अब उसमें क्या है, हमने तो पढ़ के गए हैं, लेकिन वो स्क्राइब क्या लिख रहा है, कितना करेक्ट वे में लिख रहा है, जिस हम तरह से बोल रहे हैं वो वैसा लिख रहा है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे मार्क्स में।
तो मुझे भी बहुत टेंशन रहता था कि आई डोंट नो स्क्राइब कैसा होगा और कैसे वो लिखेगा जितना मैं बोल रही हूँ या लिख पाएगा या नहीं। बट अच्छी बात ये थी, हमेशा मुझे जो स्क्राइब मिले उनकी स्पीड बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी कभार वो लोग बोलते थे कि यार बहुत ज़्यादा लिखवाती हैं ये, मतलब वो लोग सोचते थे कि हम हिमानी के स्क्राइब ना बने किसी और के बन जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ के आती हैं और लिखवाती बहुत ज़्यादा हैं ये, तो हाथ थक जाता है। लेकिन मतलब ऑटोमेटिकली स्क्राइब का एक्सपीरियंस मेरे संग बहुत अच्छा रहा, बिकॉज मैंने चारों सेमेस्टर में टॉप किया था सर अपने डीएड में। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जब होना था, उससे पहले नाइट तक मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बहुत बार बार चल रहा था, जो कि ये था कि कैसे होगा, बिकॉज मेरा कंपटीशन उन सब लोगों से था जो जनरल थे, जिनके पास लर्निंग सोर्स स्टडी के सोर्स मुझसे ज़्यादा थे, जिनके पास और भी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स थे कि वो आंसर तुरंत देख कर क्लिक कर देंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, लग रहा था कैसे होगा, और इवन ये भी डाउट था कि यार ऐसा ना हो कि हॉट सीट पे बैठने का मौका ही ना मिले। लेकिन केबीसी की टीम का जो पॉजिटिव फीडबैक, पापा और दीदी का जो पॉजिटिव फीडबैक, और प्लस मेरी थॉट, मेरी सोच, एक चीज़ थी मैंने सोच के जो यहाँ से गई थी कि खोने के लिए कुछ नहीं है, जीतेंगे या सीखेंगे। बेसिकली जब मेरे पास 1 करोड़ का क्वेश्चन मेरे सामने था, तब मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, बिकॉज अमाउंट एक नॉर्मल फैमिली के लिए 1 करोड़ बहुत था, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा था, एक सपने जैसा था वो क्वेश्चन मेरे लिए। और उस टाइम पर ये लग रहा था कि अगर ज़रा भी कुछ गड़बड़ होता है तो डायरेक्ट 3-20, बीच की पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बोलते हैं ना रिस्क वाला फैक्टर था, अपराइजिंग डाउन, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा था और माइंड में मैं सोच रही थी कि क्या होगा, मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर का जो हम्बल नेचर हमने देखा है, वैसे टीवी में देखा है और जानते हैं, लेकिन सर ऑनेस्टली उससे ज़्यादा हम्बल है, उससे ज़्यादा सोशल। प्रोमो में आप लोग देख ही रहे होंगे कि अमिताभ सर मुझको लेकर आ रहे हैं, हॉट सीट पर भी बैठा रहे हैं, इवन पानी तक ऑफर किया उन्होंने, पानी दिया अपने हाथ से। तो ये सब चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की जा सकती वर्ड्स में कि उस टाइम पर क्या फील कर रहे थे। लग रहा था लाइफ में सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया और ये टाइम यहीं स्टॉप हो जाए, टाइम मांगे ना पड़े, लग रहा था कि जो चल रहा है ना बस ये यहीं स्टॉप होके रह जाए। ये सब मोमेंट था, मतलब ऐसा कैप्चर हो रखा था ना, ऐसी फीलिंग्स हो रखी थी कि एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कि क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले टीवी में देखते थे। मैंने जो अमाउंट जितना भी जीता हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ मेरा टारगेट सेट है, मुझे एक इंक्लूसिव कोचिंग इस्टेब्लिश करना है कॉम्पिटिटिव पर्पज से दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए। इंक्लूसिव कोचिंग का मतलब है बेसिकली उस कोचिंग में सब टाइप के डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली चैलेंज, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज, सब एक ही साथ उसमें लर्निंग करेंगे। और लर्निंग भी कैसी वाली, हायर एडुकेशन जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक स्टेट PSC, UPSC, उस टाइप के। तो ये मेरी प्लानिंग है, प्लस जो अवेयरनेस कैंपेन मैं अपने स्कूल में स्टार्ट कर रखा है, मैं चाहती हूँ उसी टाइप का कैंपेन मैं एक दिन पूरी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट हो पाए, तो लोग ज़्यादा बेनिफिट ले सकेंगे इन सब चीज़ों से। बहुत ज़्यादा वाला टर्नओवर आ चुका था एक्सीडेंट से पहले, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले की मेरी जो लाइफ थी कम्प्लीटली, वो 11th क्लास तक की लाइफ, एक स्टूडेंट की लाइफ, और एक्सीडेंट के बाद एक नई लाइफ जिसमें मेरे सामने मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, ये सब कुछ था। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया था, बट ऑनेस्टली बताऊँ मैंने इन्जॉय जो किया है वो आफ्टर एक्सीडेंट किया है।
आफ्टर एक्सीडेंट ही मैंने इतना म्यूजिक डांस वांस में इन्वॉल्व होना शुरू किया है. उससे पहले या तो फोकस स्टडी पे ही ज़्यादा रहता था, स्टडी पे तब अब भी रहता है, लेकिन तब मैं इतना इन्जॉय नहीं कर पाती थी बिकॉज उसका रीज़न है. 2006 में मेरी जो सर्जरी हुई थी ना, उसमें मुझसे साफ बोला गया था उस ऑपरेशन के बाद कि हिमानी आपको जंपिंग नहीं करना, रनिंग नहीं करना है, भागना नहीं है, कोई क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना है, और जो अपना पार्टीज होते हैं, मैरिज होते हैं, वहाँ भी नहीं जाना है, बिकॉज आपको ज़रा भी ढक्का लगा आप गिर गए तो आपका रेटिना फिर हट जाएगा. तो एक डर था, चीज़ें चल रही थी, विज़न अच्छा था, लेकिन वो एक डर के संग चल रही थी कि कुछ गलत ना हो जाए. तो उस टाइम पे लाइफ जो थी अच्छी थी, लेकिन बहुत डरी डरी हुई लाइफ थी. लेकिन आफ्टर विज़न लॉस हुआ तब मेरे माइंड में कोई डर ही नहीं था कि खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो लाइफ को मैंने इन्जॉय करना शुरू किया. मैंने कहा खोने के लिए कुछ नहीं है, करो कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे तुम्हारे जैसा. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल, दिस इज हिमानी बुंदेला.